नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का एक बार फिर से हमारे इस पावरफुल मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, औरत की इन दो गलतियों के कारण पति की मृत्यु जल्द ही हो जाती है। ईश्वर करे दुनिया की कोई भी औरत ये दो गलतियां कभी ना करे, नहीं तो पति की मौत बहुत जल्दी होती है। दोस्तों, पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक माने गए हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि एक व्यक्ति का जीवन तब तक अधूरा माना गया है जब तक उसका जीवन साथी अर्थात उसका विवाह ना हो जाए। आपको बता दें, अर्धांगिनी कही जाने वाली पत्नी अपने पति को मृत्यु से बचाने के लिए कई ऐसे प्रयास करती है ताकि उसका पति मृत्यु से बचा रहे। दोस्तों, जैसे करवा चौथ का व्रत रखना, कई पूजा पाठ करना, धार्मिक यात्रा करना, बट सावित्री का व्रत रखना आदि शामिल है, लेकिन फिर भी वृद्ध होने से पहले पति की मृत्यु हो जाती है। गरुड़ पुराण और चाणक्य नीति में बताया गया है कि जब कोई पत्नी ये दो गलतियां करती है तो उसका पति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अर्थात पत्नी से पहले युवा अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाती है और पत्नी को युवा अवस्था में ही अकेले रहना पड़ता है। ऐसी स्त्रियां अपने पति से वंचित रह जाती हैं। अगर आप भी ये दो गलतियां करती हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपसे एक विनती है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, चाणक्य नीति और गरुड़ पुराण में पत्नी से पहले पति की मृत्यु के दो रहस्य बताए गए हैं। मित्रों, नंबर एक है, जब कोई नारी खास तौर से करवा चौथ पर या बट सावित्री के व्रत में या कोई भी पति के लिए अगर आपने व्रत रखा है और आप चुपके से भोजन ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात पानी भी अगर पी लेते हैं, तो इससे निकट भविष्य में पति की मृत्यु अवश्य हो जाती है। मन में भोजन के लिए लालसा भी व्रत के दौरान नहीं रखना चाहिए। ऐसी महिलाओं को कई जन्मों तक पति से वंचित रहना पड़ता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि व्रत के दौरान जब कोई नारी व्रत को चुपके से तोड़ देती है और किसी को पता तक नहीं लगने देती, तो फिर भी पति की मृत्यु युवा अवस्था में हो जाती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई नारी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है तब उसको भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, अर्थात व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने के बाद ही व्रत को तोड़ना चाहिए, तभी पति की आयु लंबी होती है और निकट भविष्य में पति पत्नी दोनों में दरार नहीं पड़ती बल्कि प्यार और बढ़ जाता है। इससे पति की आयु बढ़ती चली जाती है और सात जन्मों तक का साथ मिलता है। और दोस्तों, नंबर दो है, नारी की दूसरी गलती, बात बात पर पति की झूठी कस्में खाना, पति से बात बात पर झूठ बोलना, झगड़े आदि करना, मुख से गंदी गंदी पति को गालियां देना घोर पाप के बराबर माना गया है। ऐसा माना जाता है कि निकट भविष्य में ऐसे रिश्ते टूटकर बिखर जाते हैं और युवा अवस्था में पति की मृत्यु हर हाल में हो ही जाती है। कई लोग करवा चौथ का व्रत रखते हैं और श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को निभा भी लेते हैं, परंतु बात बात पर पति की झूठी कस्में खाना और गंदी गंदी गालियां देना, पति को लातों से मारना, बात बात पर परेशान करना, तो इससे पति की मृत्यु जल्द हो जाती है। और ऐसी नारी को चाणक्य नीति के अनुसार पति से हमेशा के लिए वंचित रहना पड़ता है, क्योंकि पति परमेश्वर का रूप होता है।